Hello, future doctors. Welcome to Dipainism. And Dr. Dipain is here with NEET 2021's paper. हम लोग analyze नहीं करेंगे बिल्कुल भी. Paper easy था, average था, difficult था. We'll just stick to discussion. और जिसने अच्छा तैयारी किया होगा definitely उनको paper easy लगा रहेगा. और थोड़ा तैयारी 19-20 हुआ होगा then paper difficult लग सकता है. But we have to learn from our mistakes and जो भी हमारे shortfalls हैं कैसे हम लोग इसको improve कर सकते हैं. तो future doctors, let's begin without wasting any time. First question, which of the following statement is not correct? मतलब आपको false statement पूछा गया है. और ये technique आपको सीखना भी है कैसे solve करना चाहिए, कि आपको अपना mind prepare करना है. Not correct मतलब false statement. Pyramid of number in a grassland ecosystem is upright. True statement. Pyramid of biomass in sea is generally inverted. True statement. पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट. यहीं पे उन लोग ने क्लू दे दिया है. दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों कैसे करेक्ट हो सकते थे. इसमें से एक फॉल्स होगा एंड दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट विच इज डेफिनेटली अ ट्रू स्टेटमेंट. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यूचर डॉक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोइशियस. नाउ मोनो मतलब सिंगल, इशियम मतलब हाउस. सिंगल हाउस है मतलब ऑर्गेनिज्म जो होगा वो बाइसेक्सुअल के बारे में पूछा गया है. एज फार एज साइकस एंड कैरिका इज कंसर्न्ड, दीज आर द यूनिसेक्सुअल प्लांट्स. मार्केंशिया वो भी यूनिसेक्सुअल है. कुछ दिन पहले मैंने मार्केंशिया का एनसीईआरटी डायग्राम्स डिस्कस किए थे, उसमें मेल का और फीमेल प्रोथैलस जो था, प्रोथैलस नहीं सॉरी गैमेटोफाइट, वो डिफरेंट था. सो दैट वॉज ऑल्सो यूनिसेक्सुअल. सो अगर बाई चांस ना भी पता हो, बट अगर आप लोगों ने ग्रीन एल्गे का वीडियो देखा हो तो कारा इज डेफिनेटली बाइसेक्सुअल, क्योंकि कारा प्लांट में, इस ग्रीन एल्गे में हम लोग ने मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों को ही सिंगल प्लांट में दिखा दी. द मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज ग्लोब्यूल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज न्यूक्यूल. सो ये दोनों ही देखने मिलते हैं, मतलब डेफिनेटली इट्स अ बाइसेक्सुअल, दैट इज मोनोइशियस. तो यहाँ पे शायद एलिमिनेशन से आप लोग प्रेडिक्ट कर पाते कि कारा है. साइकल्स जो जिम्नोस्पर्म में है वो भी यूनिसेक्सुअल होता है. सो दैट इज द करेक्ट आंसर, कारा. नेक्स्ट एमसीक्यू, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ सीओ टू फिक्सेशन, मतलब फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन आ गया. इन सोरघम, मेज, जोवार, शुगर केन, एमरेंथस, ये सब सी फोर प्लांट्स हैं. जोवार इज नथिंग बट सोरघम. और सी फोर प्लांट्स में सबसे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है दैट इज पेपा प्लस सीओ टू प्लस वॉटर फॉर्म्स ओ ए ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. द फोर कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज सी फोर. सी थ्री प्लांट्स में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. तो आपको यही पता होना चाहिए था कि सोरगम इज जोवार, सोरगम वल्गारे उसका पूरा नाम. मूविंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू फ्यूचर डॉक्टर्स, डाई एडल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन. नाउ डाई एडल्फस स्टेमन का जो बात किया है, डाई एडल्फी मतलब जो स्टेमन जो रहेगा उसके दो फिलामेंट्स में डिविजन रहेगा. द फिलामेंट्स आर स्प्लिट इंटू टू बंडल्स. और ऐसा हम लोग को देखने मिलता है 9+1 अरेंजमेंट, जहाँ पे 9 आर फ्यूज टू फॉर्म 1 बंडल एंड 1 इज सेपरेट. ऐसा हम लोग को देखने मिलता है इन पी प्लांट. पी प्लांट हैज डायडेल्फस स्टेमन विच इज फ्रॉम फिबेसिए फैमिली. तो डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. मूविंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू फ्यूचर डॉक्टर्स, यस, द डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन अ जेल स्टेन्ड विथ इथीडियम ब्रोमाइड. तो इथीडियम ब्रोमाइड के साथ अगर स्टेन किया जाए, व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन इट अपीयर्स एज ऑरेंज बैंड्स, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स की तरह ये अपीयर करेगा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. गोइंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू फ्यूचर डॉक्टर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये वाला. प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. एंड ये जो उनका एबिलिटी है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी. और ये भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे एक प्लास्टिसिटी का एग्जांपल डिस्कस किया हम लोगों ने हेट्रोफाइली, जहाँ पे कुछ प्लांट्स अपने लीफ का स्ट्रक्चर एनवायरमेंट के हिसाब से, मतलब एक्वेटिक में है या टेरेस्ट्रियल में या फेजेस जुवेनाइल स्टेज है एडल्ट स्टेज है, उसमें लीफ का वेरिएशन देखने मिलता है. सो दैट इज हेट्रोफाइली, अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी. एग्जाम्पल था लार्कस्पर, बटरकप, तो एग्जाम्पल था. स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू था प्लास्टिसिटी. गोइंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, that is match the following. Protoplast fusion किसमें observe किया जाएगा. Protoplast fusion जहाँ पे दो अलग अलग cells के protoplast fuse करे उसको हम लोग बोलते हैं somatic cell hybridization, जिससे हम लोग pomato बना सकते हैं. तो एक का है option number 2, pomato. Plant tissue culture, tissue culture is based on the property of totipotency.
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन. मेरिस्टेम कल्चर, तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम से हम लोग वायरस फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. फोर, माइक्रो प्रोपगेशन फॉर सोमा क्लोन्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं. ऑप्शन थ्री, सो 2143 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री. और इनफैक्ट अगर आपको ए का भी पता हो या बी का भी पता हो तो आप लोग उससे ही एलिमिनेट करके पता कर सकते हैं कि यस ऑप्शन थ्री ही राइट आंसर है. सो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नीट में ये क्वेश्चन रखा गया है. ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है जहां पे उन लोग ने बिल्कुल भी कंफ्यूज करने का कोशिश नहीं किया है, विच इज अ गुड थिंग. बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए हो, सो दैट मीन्स यू नीड टू बी मोर अलर्ट. इन द इक्वेशन GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP, R रिप्रेजेंट GPP इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस दैट प्रोड्यूसेस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो ये प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम चैप्टर में आप लोग पढ़ते हो, प्राइमरी सेकेंडरी एंड नेट प्रोडक्टिविटी. तो R स्टैंड फॉर रेस्पिरेशन लॉसेस. Going to the next MCQ feature, doctors, the production of gametes by the parents and formation of zygotes, the F1 and F2 plants can be understood by a diagram called as Punnett square. इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नीट में, मतलब ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है. नेट स्क्वायर, बुलेट स्क्वायर, पंच स्क्वायर, ऐसा कुछ भी नहीं है. पनेट स्क्वायर नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट रेजिनाल्ड सी पनेट, जिससे हम लोग प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं. फ्यूचर डॉक्टर्स प्रोबेबिलिटी, अभी आप लोग में से कुछ लोग ये क्यों सोच रहे होंगे कि सर क्यों इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे, 2021 हो गया, नीट 22 आने वाला है, 23 आने वाला है, तो बाकी फ्यूचर डॉक्टर्स को भी और एलाबोरेशन का जरूरत होगा. दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग सम एमसीक्यूज इन डिटेल. Which of the following is an incorrect statement? मतलब अगेन आपको false statement ढूंढना है. Nuclear pores are acting as passages for proteins and RNA molecules in both the direction between nucleus and cytoplasm. Yes, nuclear membrane पे pores होते हैं. True statement. Mature sieve tubes, sieve tubes मतलब phloem के cells, they elements possess a conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelles. Organelles तो ठीक है, but nucleus तो definitely absent होता है because sieve tubes are dead cells. Sieve cells, sieve tubes are dead elements. सभी तो companion cells का जो nucleus है वो control करता है sieve tubes का. और उसमें nucleus क्यों नहीं होता sieve tubes में? So that conduction of food can be easily taking place through the cytoplasmic strands. Microbodies are present both in plants and animal cells. Yes, that is definitely true. Microbodies, जैसे हम लोग पढ़ते हैं peroxisomes हो, glyxosomes हो, spherosomes हो. So in general, microbodies can be seen in both plants and animal cells. The perinuclear space forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm. So double layered nuclear membrane jo hota hai usme aisa perinuclear space observe karne milta hai. So this space is in a way is acting as a barrier. Actually the nuclear membrane is acting as a barrier, but nuclear membrane ke dono membrane ke beech mein to space hai. So in a way there is a true statement. So absolutely false statement jo hai, that is option number 2. Future doctors, moving to the next question, that is yes, MCQ number 111 यहाँ पे. Match the following lenticels. Now lenticels जो है, they are the openings. So openings exchange of gases के लिए help करेगा. That is statement number 3. तो exchange of gases, ये lenticels present होते stem में या woody pericarps में. Cork cambium, जिन्होंने भी secondary growth मुझसे पढ़ा है उनको पता है cork cambium सब कुछ बनाता है, ये phallogenerate करता है. तो ये phallogen है. Cork cambium is option 1. Secondary cortex is known as phalloderm. एंड कॉर्क को हम लोग फेलम बोलते हैं, बट वो नहीं पूछा है, फेलम नहीं दिया है, उसके बदले कॉर्क में सब्यूरिन का डिपोजिशन होता है. तो दैट इज ऑप्शन 2. सो 3142, यस 3142. यहाँ पे भी अगर आपको सिर्फ ए का 3 पता हो तो भी आप लोग एलिमिनेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑप्शन 3 आंसर है. अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है इन लोगों ने, बट आपको ऐसा नहीं करना है. जैसे मैंने टेक्निक दिया, आप लोग पहले पूरा मैच द फॉलोइंग सॉल्व कर लो, फिर उसमें से हाँ 3142 कहाँ पे मिल रहा है, कोई 19-20 हो गया तो बाद में आप एलिमिनेशन का. तो बेसिकली दैट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप लोग सब कुछ मेमोराइज भी करते जाओगे, वो री इन्फोर्स करोगे, अरे कॉक कैम्बियम क्या था. अदरवाइज सिर्फ आप ए का 3 है और उतना सोच के आगे बढ़ने लगोगे, करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंचना है. यू हैव टू बी फोकस्ड इन द नीट एग्जाम्स कि आपको वो हर चीज रिकलेक्शन में आनी चाहिए. सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर डॉक्टर्स. देन नेक्स्ट एमसीक्यू, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड ए स्टैंडिंग स्टेट. इस मिनरल साइक्लिंग के प्रोसेस में स्टैंडिंग स्टेट का डेफिनेशन आता है. और स्टैंडिंग क्रॉप इज द नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल. एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप. और जो न्यूट्रिएंट्स है दैट इज स्टैंडिंग स्टेट. क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जहां पे इकोलॉजिकल सक्सेशन का हम लोग बात करते हैं, एक स्टेबल कम्युनिटी फाइनली बनता है, दैट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी. क्लाइमेक्स जैसा इन जनरल कुछ नहीं है, सो देयर इज अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट एमसीक्यू, द टर्म यूज्ड for transfer of pollen grains from anther of one plant
to stigma of a different plant during pollination brings genetically different types of pollen grains to stigma is known as. So gitnogamy to ud jayega, gitnogamy to neighboring flower mein hota hai on the same plant, to wo to self pollination ka type hai, to ye to eliminate ho gaya. Clistogamy closed flower mein hota hai, to closed flower mein bhi again there will be self pollination, to ye bhi eliminate ho gaya. Bacha 2 and 4, to xenogamy jo hai वो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होता है, और यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज का हम लोगों ने क्लू क्या दिया है, जेनेटिकली डिफरेंट स्पीशीज ऑफ टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन से. तो जेनेटिकली डिफरेंट जीनोगैमी में ही देखने मिलता है, डिफरेंट स्पीशीज हो या ना हो, बट दो डिफरेंट प्लांट्स हो तो उसको जीनोगैमी, अगर डिफरेंट स्पीशीज हो तो हम लोग उसको हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं. सो ये एलोगैमी या क्रॉस पोलिनेशन का टाइप हो गया, जहाँ पे डेफिनेटली अलग अलग ये टाइप्स ऑफ प्लांट्स है. जीनोगैमी चैस्मोगैमी जहाँ पे ओपन ही रहेगा उसमें भी अगेन सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है. सो देर इज नॉट नेसेसरी के चैस्मोगैमी हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक क्लू दे रहा है अबाउट जेनेटिकली डिफरेंट. विच इज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर. तो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग तो एना फेज में होता है, एना फेज में पोल्स की तरफ आने को बोलता है, तो क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स द पोल. तो अगर एना फेज नहीं दिया तो मियोसिस में तो एना फेज टू होता है, और उन लोग को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं है. अगर वो लोग एना फेज वन और टू पूछे तो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एना फेज वन में मैंने डिस्कस किया देयर इज डिसजंक्शन, देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स इन एनाफेज 2 ओनली. बाकी मेटाफेज में तो इक्विटोरियल प्लेन पे आएगा, टेलोफेज में तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सो ऑन. फिर पीसीआर पे क्वेश्चन आ गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. सीक्वेंस आप लोगों को पीसीआर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, और पीसीआर मैंने बताया एचडीएफ, हीट डीनेचुरेशन, एनीलिंग, पॉलीमराइजेशन. डीनेचुरेशन, एनीलिंग, पॉलीमराइजेशन को एक्सटेंशन भी बोलते हैं. ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर डेफिनेटली. स्टूडेंट का बाई चांस रॉन्ग हो गया है, बेचारा ने ऑप्शन 1 मार्क किया है, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. और होता है कभी कभी कि कंफ्यूजन आता है, बट अलर्ट माइंड विल नॉट मेक अ मिस्टेक, अलर्ट एंड काम माइंड. नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्व्स जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड एट इंडिविजुअल्स टिश्यू टू ट्रीट डिजीजेस. डिजीजेस का ट्रीटमेंट करने के लिए यह बात चल रहा है, मतलब डेफिनेटली ये जीन थेरेपी का बात चल रहा है. और एक ही जीन थेरेपी का एप्लीकेशन बायोटेक में दिया गया, दैट इज फॉर एससीआईडी टू ट्रीट एडीए डेफिशिएंसी, एडिनोसाइन डीएमआईनेस डेफिशिएंसी. सेफ्टी टेस्टिंग तो हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे करते हैं. बायोपायरेसी जहां पे कोई कंट्रीज बिना परमिशन के बायो रिसोर्सेज को स्टील कर देते. मॉलिकुलर डायग्नोसिस फॉर डायग्नोसिस ऑफ वेरियस हेरिडिटरी डिजीजेस एंड सो ऑन, मेनी इन्फेक्शंस. देन मैच द फॉलोइंग, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे फिर चेक करेंगे. क्रिस्टे, क्रिस्टे कहाँ पे देखने मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन. यस, इनर मेम्ब्रेन पे इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टे. A3 थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड्स हम लोग को ग्राना में देखने मिलते हैं इन द क्लोरोप्लास्ट. फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन द स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स, यस. ऑप्शन 4 सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड्स को जोड़ता है, ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. एब्सोल्युटली राइट. सिस्टर्ने, दे आर डिस्क शेप्ड सैक्स इन द गॉल्गी बॉडीज या फिर इवन ER. तो 3, 4, 1, 2 हम लोग ऑप्शन ढूंढना है, 3, 4, 1, 2 और उसके हिसाब से 3, 4, 1, 2 यस, ऑप्शन 4 इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. फ्यूचर डॉक्टर्स, द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन द पॉपुलेशन इज बेसिकली, इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूमन एवोल्यूशन. तो उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑल्सो नोन एज सेवाल राइट इफेक्ट, उसमें फाउंडर इफेक्ट देखा जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन में देखने मिलता है, जहां पे ड्रिफ्टिंग की वजह से, माइग्रेशन की वजह से there is a founder effect, there is a founder population. So this is seen in small population. Baki natural selection to Darwin's ka theory hai, genetic recombination to crossing over ki wajah se hota hai, aur mutation jo hoga that's a single step saltation, large mutation jo hota hai usse founder effect nahi aayega. Bahut easy question puch liya ye wala. When the centromere is situated in the middle and two equal arms are produced, agar do equal arms ban jayenge to ban jayega dipenism ka symbol. Or definitely एग्जैक्टली वी शेप तो नहीं बनेगा, बट ये जो वी शेप बनेगा ऑब्वियसली दैट इज मेटासेंट्रिक वी शेप. दूसरा होता है सब मेटा, जो होता है एल शेप्ड, विच डॉक्टर्स एक्रोसेंट्रिक, जो होता है जे शेप, वो ऐसा जे शेप अपियर करेगा. एंड टीलोसेंट्रिक इज रॉड शेप. तो ये सभी के सभी आप लोग पढ़ चुके क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, और ये सब कौन से फेज में दिखने मिलता है फ्यूचर डॉक्टर्स, इन द एना फेज ऑफ सेल डिविजन, जब भी क्रोमैटिड स्प्लिट हो जाते हैं. डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर ये डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था. 120 गैमे आर प्रेजेंट इन, अभी कुछ दिन पहले यूनिट 1 का डाइवर्सिटी के मैंने डायग्राम्स डिस्कस किए थे, उसमें हम लोगों ने लिवर वॉट्स का एक डायग्राम देखा था, जहां पे मैंने जेमे कप के बारे में मेंशन किया था. तो सम लिवर वॉट्स देशो जेमे एसेक्सुअल बर्ड
ये अपियर करता है. तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस बार नीट मीडिया, दैट इज वेरी स्ट्रेंज, बट उससे रेफरेंस लेके आप लोगों को ये कुछ एमसीक्यूज के आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे. मॉसिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रायोफाइटा, बट उसमें नहीं, जेमे आर सीन इन लिवर वॉट्स ओनली. नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल इज यूज्ड टू प्रेसिपिटेट आउट. अरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम लोग डीएनए को ही आइसोलेट करते, तो आइसोलेशन के टाइम पे लाइसिंग एंजाइम यूज करते हैं. चिल्ड इथेनॉल इज यूज टू प्रेसिपिटेट आउट, और बाद में हम लोग वो एक स्पूलर यूज करते हैं जिससे हम लोग डीएनए को ऐसे बाहर निकाल सके. तो स्पूलर इज यूज, तो चिल्ड इथेनॉल टू प्रेसिपिटेट डीएनए. बहुत इजी क्वेश्चन पूछा. देन कोहेजन टेंशन थ्योरी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पे से क्वेश्चन है. कोहेजन इज अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, तो यस, अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, Ca2. एडेशन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ पोलर सर्फेस वाटर का, तो 4. सर्फेस टेंशन, लिक्विड फेज में वाटर पे सर्फेस टेंशन होता है, वो भी हेल्प करता है इन एसेंट ऑफ सैप. एंड गटेशन, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज थ्रू लीफ हाइड्रोथॉड्स, दैट इज गटेशन. एक गटेशन था और एक ब्लीडिंग था, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है. 2, 4, 1, 3 इज द करेक्ट सीक्वेंस, देख लेते हैं. 2, 4, 1, 3, यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, फ्यूचर डॉक्टर्स. गोइंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोपीरियोडिज्म. बहुत ही माइन्यूट डिटेल यहाँ से पूछ लिया एनसीईआरटी का. और ये कॉन्सेप्ट में फोटोपीरियोडिज्म में आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हो, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल. बट जो परसेप्शन है वो लीफ रिसीव करता है, और लीफ एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम आप लोगों को मैंने डेफिनेटली वीडियो में डिस्कस किया फोटोपीरियोडिज्म के, फ्लोरिजन, जो बाद में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है. इट्स अ हाइपोथेटिकल हार्मोन, सो यहाँ पे लीफ विल बी द आंसर. और जो अपाइकल बर्ड होता है दैट रिसीव द स्टिमुलस इन वर्नलाइजेशन, तो शूट एपेक्स या अपाइकल बर्ड का अगर ऑप्शन हो तो वर्नलाइजेशन के लिए होगा, फ्यूचर डॉक्टर्स, जो आगे फ्यूचर में नीट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे, या सम स्टूडेंट्स माइट हैव टू रीअपियर, क्योंकि अगर तैयारी अच्छे से ना हुआ हो तो डेफिनेटली ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू हेल्प यू. द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड, वीड्स ही नहीं, मैं तो ये बोलना चाहूंगा स्पेसिफिकली डाइकॉट वीड्स को टारगेट करते हैं, that is 2,4-D and 2,4-5-T. Dichlorophenoxyacetic acid and trichlorophenoxyacetic acid is used. यहाँ पे स्टूडेंट ने भीतर ने आए मार्क कर दिया, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, दैट्स अ नेचुरल ऑक्सिन, वो नहीं है. इसको यूज किया जाता था एज एजेंट ऑरेंज, वियतनाम वॉर में एजेंट ऑरेंज की तरह इसको यूज किया गया था, बिकॉज ये वीड या डाइकोट प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करता है. नेक्स्ट एमसीक्यू फ्यूचर डॉक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे प्रोड्यूस कैराजिन या कैराजिनिन. सो कैराजिनिन कॉन्ड्रस क्रिस्पस ये प्लांट प्रोड्यूस करता है, विच इज अ रेड एल्गे फ्यूचर डॉक्टर्स. तो इमीडिएटली कैराजिनिन सोच के कॉन्ड्रस क्रिस्पस जिनको याद आया हो, रेड एल्गे डेफिनेटली इज द राइट आंसर. ब्राउन एल्गे से तो हम लोग को एल्जिन मिलता है, फाइकोकोलर्ड मिलता है, और रेड एल्गे से हम लोग को अगार अगार एंड कैराजिनिन प्रोडक्ट्स मिलते हैं. देन सेंट्रल डॉगमा पे क्वेश्चन आ गया है. सेंट्रल डॉगमा, डीएनए से डीएनए बने तो क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन. डीएनए से एमआरएनए बने तो क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन. एमआरएनए से कुछ बनाया जाए तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, और बनता क्या है, प्रोटीन. तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर लग रहा है. सेंट्रल डॉगमा गिवन बाय क्रिक, यस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन. और इतना ही नहीं, फ्यूचर डॉक्टर्स काफी लोगों को पता रहेगा, आरएनए से डीएनए बनाया जाए तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज टेमिनिज्म. है ना, ऐसा मत सोचना क्या फायदा सर बताने का, ये तो एमसीक्यू पूछा नहीं, बट नॉलेज तो नॉलेज है, कहीं ना कहीं काम आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स, तो रबर्स, गम्स, मॉर्फिन, कोडीन, विनक्रिस्टिन, करक्यूमिन, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो प्लांट्स को डायरेक्टली यूजफुल नहीं होते, दे आर लाइक वेस्ट, दे एडिशनल प्रोडक्ट्स, बट हम लोगों को काम में आते हैं, ह्यूमंस को. बट अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, दे आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दे आर डायरेक्टली यूजफुल. प्लांट्स यूज करेंगे फॉर प्रोटीन सिंथेसिस या फिर एनर्जी प्रोडक्शन, बट रेस्ट ऑफ देम आर एडिशनल प्रोडक्ट्स. सो अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर, व्हेन विच मैकेनिज्म द कम्पीटिंग स्पीशीज माइट हैव इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल. तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हो, फिर भी कैसे मैनेज कर पाए, रिसोर्स पार्टिशनिंग से. तो ये डेफिनेटली ये इको सिस्टम यूनिट का क्वेश्चन हो गया, जहां पे मैकआर्थर ने स्टडी किया था अबाउट वॉबलर स्पीशीज, वॉबलर बर्ड्स के डिफरेंट टाइप के, ऑलमोस्ट 5 टाइप्स के बर्ड्स एक ही ट्री पे अलग अलग फीडिंग एक्टिविटीज से रिसोर्स पार्टिशनिंग करते थे. दोनों कॉम्पीट नहीं करेंगे, तू रात में खा, मैं दोपहर को खाता हूँ, मैं रात को दिन में खाऊंगा, तो ऐसा अलग अलग. तो मैकआर्थर ने रिसोर्स पार्टिशनिंग भी ऑब्जर्व किया था. सो गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल
जरूरी नहीं है एप्लीकेबल हो, स्पीशीज सर्वाइव कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर. और इतने वो लोग जो भी नीट पेपर जिसने बनाया, इतना भला मानुस है, उन्होंने फुल फॉर्म वगैरह भी दिया है किसी स्टूडेंट को ना पता हो तो. सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का क्या एप्लीकेशन नहीं है? जीन म्यूटेशन डिटेक्ट कर सकता है, हम लोग म्यूटेटेड जीन को एम्पलीफाई करके स्टडी कर सकते हैं. मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस डेफिनेटली फॉर डायग्नोसिस ऑफ वेरियस हेरिटेड डिजीजेस. जीन एम्पलीफिकेशन वही तो उसका मेन रोल है. इन विट्रो टेक्निक ऑफ जीन एम्पलीफिकेशन. प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेट प्रोटीन, वो प्रोसेस पीसीआर में होता ही नहीं है. प्योरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, सेपरेशन कब होता है? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में. सो दैट इज द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस. तो जिन स्टूडेंट्स को ये याद आ गया होगा, yes, उनको पता होगा कि ये पीसीआर का बिल्कुल भी एप्लीकेशन नहीं है. नेक्स्ट एमसीक्यू अगेन बाय द फॉलोइंग. सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल डिविजन कैपेसिटी. तो प्लांट्स में तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू ही है, ए का टू. टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट इज सिंपल टिश्यू. सिंपल टिश्यू ऑल ऑफ देम आर सिमिलर. जैसे प्लांट्स में सिंपल टिश्यू में आता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्प्लेन्काइमा. टिश्यूज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यूज आ जाएगा, दैट इज वन. वैस्कुलर टिश्यूज आंसर हो गया. डेड सेल्स विथ हाईली थिकेंड वॉल्स एंड नैरो ल्यूमन, सिर्फ डेड सेल्स पे तो अपना काम हो जाना चाहिए, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा में ऑप्शन होते हैं स्क्लेरिड एंड स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2, 4, 1, 3. लेट सी 2, 4, 1, 3 किस में आ रहा है. यस 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है. और देखो कहीं पे भी वो उन लोग ने ऑप्शन नंबर 2 कहीं पे भी नहीं रखा, एक ही ऑप्शन में रखा. इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड उन लोग ने ये रखा है कि स्टूडेंट ने अगर पढ़ा है अच्छी नीयत से, अच्छा वक्त का यूज करके अगर पढ़ाई किया है तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर आएगा. उन लोग ने बिल्कुल भी परेशान करने की कोशिश नहीं किया स्टूडेंट्स को. अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी. मैच्योरिटी पे एम्ब्रियो सैक में 7 celled 8 nuclear stages. स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया, देखो उसने डॉट मार्क किया 7 nuclear 8 cell. 7 celled 8 nuclear stage जहां पे 3 होते हैं एंटीपोडल सेल्स ऑन द चलाजल एंड, 3 सेल्स होते हैं ऑफ द एग अपैरेटस सेंट्रल ओवम, 2 सिनर्जिड्स एंड 1 सेल होता है इन द सेंटर. तो 3, 1, 3 दैट इज 7 सेल्स. और सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं पोलर न्यूक्लियस, तो 8 न्यूक्लियर स्टेज. इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ ओव्यूल. फ्यूचर डॉक्टर्स पॉलीगोनम टाइप ऑफ ओव्यूल. तो ये एम्ब्रियो सैक या ओव्यूल में देखने मिलता है. विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे कंटेन्स मैनिटॉल. मैनिटॉल और लैमिनारिन ये रिजर्व फूड देखने मिलता है इन ब्राउन एल्गे. तो हम लोग को ब्राउन एल्गे ढूंढना है. तो यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गे है, निकल गया. एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गे है, ये डेफिनेटली हो सकता है. ग्रैसिलेरिया रेड एल्गे, वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गे. सो करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली एक्टोकार्पस. सोरस के अंदर स्पोरेंजियम होता है तो दैट्स अ ब्राउनिश पॉड विच इज सीन और सोरस तो होगा ही नहीं तो इट इज हेटरोस्पोरस. तो उन लोग ने दो काइंड ऑफ स्पोर बोल के भी ऑप्शन हिंट दे ही दिया था. मैंने बोला ना ये बार नीट का भी और बहुत ही भले मानुस ने बनाया है कि डेफिनेटली सबको हेल्प किया जाए. म्यूटेशंस इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय गामा रेज. और गामा इरेडिएशन जो किया गया था ये एमएस स्वामीनाथन ने किया था ऑन वीट, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड म्यूटेशन. उन्होंने गामा गार्डन का भी क्रिएशन किया था. तो गामा रेज वीट पे ये किया गया था जिससे अलग अलग वीट के अच्छे क्वालिटीज डेवलप किए थे. देन पॉपुलेशन इंटरेक्शन में एमेंसलिज्म. एमेंसलिज्म में एक को नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है स्पीशीज को और दूसरे स्पीशीज को कुछ फर्क नहीं पड़ता तो भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे पे करता है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. एक को फायदा दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो हो जाएगा कमेंसलिज्म. दोनों को फायदा म्यूचुअलिज्म. दोनों को नुकसान या तो होगा कॉम्पिटिशन या तो होगा प्रेडेशन. दोनों को नुकसान हो तो एक नहीं, सब ऑप्शन हम लोग को पता है. दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ फ्यूचर डॉक्टर. फिर कुछ एडिशनल क्वेश्चन जिसमें से आपको सेलेक्ट करके सॉल्व करने थे. What is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryotes? So eukaryotes ka agar transcription ka video dekhoge to polymerase 1 2 3 teeno hi maine discuss kiya aur maine aapko short form diya RMT. 1 banata hai rRNA, 2 banata hai mRNA, 3 banata hai tRNA. tRNA 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 ye option mein aa gaya tRNA. aur itna hi nahi, RNA polymerase 3 banata hai even 5S RNA. 5S rRNA ye clearly nahi dikh raha, but it is 5S. एंड इवन एस एन आर एन ए, स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए जो स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स में भी होता है. और आर आर एन ए जो बनाता है दैट इज पॉलीमरेज 1 जिसका 28S, 18S, 5.8S आता है, बट 5S
आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है इन इन यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है. सेलेक्ट द करेक्ट पेयर. करेक्ट पेयर आपको ढूंढना है. लूज पैरेन्काइमा सेल्स रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग अ लेंस शेप ओपनिंग इन द बार्क. दोज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स. और कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स जो होते हैं वो पैरेन्काइमेटस सेल्स लेंटी सेल्स बनाते हैं. सो इट इज नॉट स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. स्पॉन्जी तो लीफ में मिलता है. लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रासेस दैट इज कॉल्ड एज बुल्ली फॉर्म सेल्स. फ्यूचर डॉक्टर्स बुल्ली फॉर्म सेल्स इन ग्रासेस. सब्सिडियरी सेल्स तो गार्ड सेल्स के अराउंड होते हैं. इन डाइकॉट लीव्स वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स दैट इज बंडल शीथ सेल्स. दोज आर दी बंडल शीथ. कंजक्टिव टिश्यू तो हम लोग को देखने मिलता है इन द डाइकॉट रूट में देखने मिलता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 ही होगा. यस सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग. और मेडुलरी रेस बीच में होता है वो बाद में जाके डी डिफरेंशिएशन करके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है. दैट्स अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. तो ये जो डिलीटेड सिलेबस में से था सेकेंडरी ग्रोथ, ये ऑप्शंस में आप लोग छोड़ सकते थे. तो उतना भी ये एक बेनिफिट हुआ रहेगा कुछ फ्यूचर डॉक्टर्स को. प्लाज्मिड्स पीबीआर 322 उसमें PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विद इन जीन एम्पिसिन रेजिस्टेंस. दैट्स राइट कन्फर्स एम्पिसिन रेजिस्टेंस. इफ दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेस प्रोडक्शन एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन द ईकोलाई स्ट्रेन तो क्या होगा? अगर ये एंजाइम यूज किया तो एम्पिसिन रेजिस्टेंस का जीन निकाल दिया, इट विल बिकम इनएक्टिवेटेड. उसको हम लोग ने पढ़ा है पीबीआर 322. आप लोग वीडियो देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा. इंसर्शन इनएक्टिवेशन करते हैं वैसे हम लोग टेट्रासाइक्लिन का निकालते, बट यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया है. तो PST1 दैट इज एक्चुअली द साइट ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन. और बीटा गैलेक्टोसाइडेस वो अपने आप को फंक्शन करना शुरू करेगा. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर्म एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस. यस ऑप्शन 2 हो सकता है. नोवल प्रोटीन नहीं आएगा. द ट्रांसफर्ड सेल्स विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्पिसिलिन. सवाल ही नहीं उठता. लाइज ऑफ होस्ट सेल ऐसा कुछ नहीं होगा. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2. इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल. ईकोलाई के पास नहीं रहेगा क्योंकि वहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट कर दिया है. देन नेक्स्ट एमसीक्यू. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स डिफरेंसेस इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजंस इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज. ये मेरे हिसाब से थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यू हो गया, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है. आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंसेस को रेपिटेटिव डीएनए बोला जाता है. बट आइडियली जो मेरा सही मानना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग ढूंढते हैं VNTRs, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, एंड सच VNTRs आर नोन एज सैटेलाइट डीएनए. अगर किसी फ्यूचर डॉक्टर्स ने बाई चांस सैटेलाइट डीएनए मार्क कर दिया है, दैट्स सैड, क्योंकि वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है. एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ आगे भी दिया है कि वो VNTRs अलेक जैफरी ने ढूंढा था. Those were satellite DNA probes. But ये straight for NCRT का statement है, इसकी वजह से repetitive DNA will be the right answer जो consider किया जाएगा. So I think satellite DNA is यहाँ पे भले मानुस जिसने paper बनाया था उसको satellite DNA नहीं रखना चाहिए था, but that's okay. ये option में आप छोड़ सकते थे. In the exponential growth equation, जो exponential growth होता है, graph होता है, that is J shape. NT is equal to N0 into e raised to RT. E represents the base of natural logarithms, जिसका value 2.7082 होता है. इतना mathematics में रट लिया है, 2.7082, तो ecosystem से questions आए हैं. Which of the following statement is incorrect? False statement कौन सा है? Cyclic photophosphorylation involves both PS1 and PS2. सवाल ही नहीं उठता, उसमें से PS1 आता है, PS2 होता ही नहीं. This is definitely a false statement, incorrect है. Both ATP and ADPH are synthesized during non-cyclic. True statement है. स्ट्रोमा लेमिल, अभी आपको करेक्ट आंसर मिल गया तो भी पढ़ना है, उससे कोई और ऑप्शंस में और एमसीक्यूज में आपको कुछ क्लिक होगा, क्योंकि आप नीट एग्जाम में इतने नर्वस होते हो. जितना आप लोग माइंड को यूटिलाइज करोगे उतना आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज विल बी फ्रोजन इन द नीट एग्जाम्स. वी डोंट वॉन्ट दैट. वी वॉन्ट अवर माइंड टू बी हाईली एक्टिव. स्ट्रोमा लेमिल हैज PS1 विच इज ट्रू एंड लैक्स एनएडीपी रिडक्टेज, दैट इज ऑल्सो ट्रू. Granule amylase have both PS1 and PS2. Granule amylase मतलब thylakoids, and they have both PS1 and PS2. So that is true statement. Option 1 is incorrect. Moving ahead, which of the following statement is correct? True statement. Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen. Yes, in specialized cells called as sheath cells. बिल्कुल भी नहीं. ये cyanobacteria का बात है और ये heterocyst answer है. अभी मैंने कुछ दिन पहले ये diagram वाले MCQs में discuss किया था. Otherwise, cyanobacteria आप लोग video देखोगे उसमें मिलेगा. Fusion of two cells is called as karyogamy. कुछ भी. Karyo is the fusion of nucleus. Fusion of two cells is plasmogamy. So that is also a false statement. Fusion of protoplasm between two motile or non-motile gametes is called as plasmogamy. True. Ye kingdom fungi ka hai. Jo do cells fuse hote, that is plasmogamy. Organism that depend on living plants are called saprophytes. Bilkul bhi nahi. Saprophytes to
डेड डीकेइंग चीजों पे रहते हैं. लिविंग प्लांट्स पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म कुछ न्यूट्रिशन ले रहा है दैट इज विल बी पैरासाइटिक डेफिनेटली. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. मैच द फॉलोइंग. अगर नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर में कंफ्यूजन हो, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, तो इसका तो डेफिनेटली 4 है. थायोबैसिलस एंड सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं. अभी 4 या 1 से शायद से आप लोग ये सॉल्व कर पाओ, बट जिन्होंने सिस्टमैटिकली पढ़ा है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोकोकस बाद में अमोनिया को कन्वर्ट करता है इंटू नाइट्राइट दैट इज 2 एंड नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 1, 3. यस दैट इज ऑप्शन नंबर 2. स्टूडेंट ने भी सही मार्क किया 2, 4, 1, 3. तो नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनास ये अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूसेस प्रोटॉन गैडोलिनियम रेस्पिरेशन. ETS में ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही होता है बिकॉज कॉन्स्टेंटली साइटोक्रोम्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड रिसीव. So there is constantly oscillation that is happening. और अगर आप लोग मेरा ETS का वीडियो भी देखोगे तो मैंने डेफिनेशन में बोला ORCO, oxidation of reduced coenzyme into their oxidized form, oxidation reduction दोनों आ गया. During aerobic respiration, role of oxygen is limited to the terminal stage. हर एक future doctor जिन्होंने मेरा respiration का playlist देखा उनको पता है सर हमेशा बोलते हैं hero का entry last में होता है, oxygen comes at the terminal stage. In ETS या ETC, one molecule of NADH2 gives 2 ATP. Bakwas. 1 FADH2 gives 3 ATP. Straightforward. 1 NADH2 3 ATP. 1 FADH2 2 ATP. Option 3 is false. Iske liye correct answer hoga. ATP is synthesized by complex 5. Correct answer. This is also true. Correct answer matlab correct statement hai. To correct answer is option number 3. Matlab that is the incorrect jo hum logo ko dhoondna tha. ATP synthesis is complex number 5. In some members of which of the following pairs of families, pollen grains retain their viability for months. So, 3 families hai, Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae. Straight for NCERT ka question hai, to Rosaceae, Leguminaceae diya hua hai. And jo cereal crops the, rice ho gaya, aur bhi kuch wheat cereal crops, usme 30 minutes ka viability hai. Reproduction in plants mein ye NCERT mein statement diya hai, jabke for months, Rosaceae, Leguminaceae aur Solanaceae mein dekhne milta hai. Is student ne by chance galat mark kar diya, Poesie. Okay. Split gene arrangement is characteristic of prokaryotes. False. Split genes to eukaryotes mein dikhta hai. The monocistronic genes are split into introns and exons. It's an ancient character. That is fine, but seen in eukaryotes. In capping, methyl guanosine triphosphate is added. Correct hai. But 3 prime pe nahi, it is on the 5 prime end. So this is also a false statement. RNA polymerase binds with rho factor. And rho factor se bind karne ke baad, it terminates the process of transcription in bacteria. So this is definitely a correct statement. So rho factor definitely termination mein hi role play karte hain. Sigma factor for initiation, rho for termination. The coding strand in a transcription, it is copied on mRNA. Nahi, it is the non-coding. It is the template. Coding resemble karta hai, but it is not copied. The copied is the other one. And coding strand ka direction hota hai 5 prime to 3 prime. Or template hota hai 3 prime to 5 prime wala. So true statement is option 3. Baki sab false hai. Moving ahead, future doctors. Again, match the following puch liya in logo ne. Bahut sare match the following is bar neat mein puche hai. To a clue hai. Yes, you have axillary estivation, diadelphus stamen, fabaceae mein. To A ka hoga 3. Phir ye 5-5 ka pentamerous jo dekhne milta hai. That is in Solanaceae. 4. 3-3. Perianth wagere ka. Liliaceae. Trimerous. Monocot. Or 2-2. 4-2 that is seen in Brassicaceae. 1-3-4-2-1. Tini to families ya floral formula hi main padhna rehta hai. 3-4-2-1. Yes, correct answer is option number 2. Next MCQ future doctors. Bonds ke baare mein poocha. Itna simple biomolecule se question hai. Proteins mein kaun sa bond hoga? Peptide bond. A ka 4. Unsaturated carbon-carbon double bonds hoga. Saturated mein single hota hai. Nucleic acid, phosphodiester bond, successive nucleotides are joined. Polysaccharide, glycosidic bond. Option 3. स्टेटमेंट नंबर 3, 4, 1, 2, 3 आंसर होना चाहिए. देख लेते 4, 1, 2, 3. यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B2, ऑप्शन नंबर 2, 4, 1, 2, 3. और यहाँ पे उन लोगों ने थोड़ा ट्रिक खेलने की कोशिश किया है, बट डेफिनेटली एमसीक्यू इतना इजी था कि आप लोग ट्रिक नहीं हुए रहेंगे. S फेज सिंथेसिस फेज DNA रेप्लिकेशन होगा, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 4. G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं और जीवन में भी होते हैं. क्वाइसेंट फेज इनएक्टिव फेज,
डेफिनेटली टू G1 फेज, उसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, बट इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यस, क्योंकि G1, S, G2 और M, और वापस से M के बाद G1 आएगा, तो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन इज द G1 फेज. तो G1 में आएगा 3, तो G2 में आ जाएगा 1, 4, 1, 2, 3 इज द राइट आंसर. देख लेते हैं 4, 1, 2, 3, यस यहाँ पे है. यहाँ पे थोड़ा उन लोगों ने कन्फ्यूज करने की कोशिश किया है, बट डेफिनेटली आप लोग नहीं होंगे क्योंकि बाकी सब में आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो. ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है. नाउ डेज इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन्स कॉजिंग कैंसर बाय अलाउइंग रेडियोएक्टिव प्रोब्स टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय इट्स डिटेक्शन. जो म्यूटेटेड जीन होगा कैंसर का वो आइडेंटिफाई कर सकते बिकॉज म्यूटेटेड जीन में सीक्वेंसेस चेंज हो गए. सो म्यूटेटेड जीन डेफिनेटली फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं देखा क्योंकि उसका प्रोब के साथ कॉम्प्लीमेंट्रिटी होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोब में अलग सीक्वेंसेस है और ये जीन में म्यूटेशन होने की वजह से अलग सीक्वेंस हो गया है. तो म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपियर बट प्रोब हैज कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं इट डज नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री. सो ये डेफिनेटली एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक का क्वेश्चन है. म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपियर एंड द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंट्री विद इट. तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर. जूलॉजी पे आ गए. Erythropoietin hormone which stimulates RBC production is produced by JG cells of the kidney. जो renin secrete करता है enzyme, वही erythropoietin जो erythropoiesis में stimulation करेगा erythropoietin hormone. इसीलिए kidney failure पे anemia होता है. Which of the following is an incorrect false statement? 10th abdominal segment in both sexes bears pair of anal sulci. True. Detects sound vibration. Cockroach का अगर आप लोग morphology discuss करोगे, video देखोगे तो आपको ये सब detail में मिलेगा. A ring of gastric cheek या hepatic cheek is present at the junction of midgut and hindgut. False. It is present at the junction of foregut and midgut. Midgut, hindgut पे तो malpighiant tubules होते हैं. अगर आप लोग diagram भी recollect करो और video देखोगे तो आपको answer मिल जाएगा. Hypopharynx lies within the cavity enclosed by the mouth parts. True. Hypopharynx is the tongue. In females, 7 to 9 sterna together form a genital pouch. True. So false statement is option 2. Is clear. That is the correct answer. Succus entericus is referred to as. Succus entericus is the intestinal juice. Straightforward MCQ, option number 3. Which stage of meiotic phase shows terminalization? तो ये prophase 1 में diakinesis में देखने मिलता है. Straightforward question पूछा है. कोई भी discussion की जरूरत नहीं है. Partial pressure of oxygen and CO2 at the alveoli. Alveoli में 104 होता है and CO2 जो होता है alveoli में 40 होता है. तो alveoli का ऐसा हम लोग डायग्राम दिखाते हैं. ऑक्सीजन इज 104 और ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है दैट इज अराउंड 40 और CO2 ब्लड में 45 और एल्वियोली में 40 होता है. तो उन लोगों ने सिर्फ एल्वियोली का पूछा है. O2 104 CO2 40 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. एब्सोल्युटली राइट आंसर. देन मैच द फॉलोइंग कुछ एनिमल्स है. फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर ऑप्शन 2. दिस इज बेसिकली सिलेंटेटा. लिम्यूलस लिविंग फॉसिल फ्रॉम आर्थ्रोपोडा. एंकलोस्टोमा हुकवॉर्म दैट इज फ्रॉम एस्केलमेंथिस. Pink tada pearl oyster from mollusca. 2, 3, 4, 1 आ जाता है in option number 4. Absolutely correct answer. Again PCR से question आ गया. During the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, which of the following steps will be affected? Obviously heat denaturation, क्योंकि heat denaturation होता है 91 to 94 degree Celsius पे. Annealing होता है on 55 degree Celsius and extension polymerization at 72. So obviously denaturation affect होगा. बाकी सब बाद में affect होंगे. First is denaturation. Then Aspergillus niger, microbes का question. Aspergillus niger is known as weed of laboratory. इससे बनता है citric acid, gluconic acid. तो यहाँ पे आ जाएगा 3. Then acetobacter aceti, acetic acid. Straightforward. 1. Clostridium butyllicum, butyric acid. Lactobacillus, lactic acid. 3, 1, 4, 2. And correct answer is option 2. Absolutely right answer. Easy tha ye. Which of the following statements is wrongly representing smooth muscle? The muscles are present in the wall of the blood vessels. True. Blood vessels mein ye present hota in tunica media. These muscles have no striations. Yes, they are unstriated. True. They are involuntary. True. Communication among the cells is performed by intercalated discs. Absolutely false, because intercalated discs present hota in the cardiac muscle, a characteristic feature of cardiac muscles only. So, mammals ka unique feature hai. Chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of the skeletal muscle. Of the skeletal muscle is called as autoimmune. Future doctors, maine aapko ye bataya hai, uspe video bhi hai. Aur maine bola tha, Amir.
माइल्स पर आवर पे भागता है। ऑटो इम्यून में हमने डिस्कस किया था बहुत सारे टाइप के डिजीज, जिसमें से मायस्थेनिया ग्रेविस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस आता है, तो मायस्थेनिया ग्रेविस विल बी द राइट आंसर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, रेसेसिव जीन्स की वजह से होता है। और बहुत सारे हम लोगों ने ये सब डिस्कस किए थे, एडिसन्स डिजीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, परनीशियस एनीमिया, हाशिमोटोस डिजीज, तो ये सब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो करेक्ट आंसर मायस्थेनिया ग्रेविस है, क्योंकि हमारे ही एंटीबॉडीज वो रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करे और एक्टिवेट हो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, मायस्थेनिया ग्रेविस एंड नॉट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी फ्यूचर डॉक्टर्स। पर्सन विद एबी ब्लड ग्रुप, मतलब आरबीसी पे ए एंड बी दोनों ही एंटीजन होंगे, और दोनों ही एंटीजन होंगे तो एंटीबॉडीज नहीं होंगे। दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा। यस, दोनों ही एंटीबॉडीज नहीं होंगे, एंटीजन एबसेंट कैसे होंगे? एब्सेंस ऑफ एंटीजन गलत, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटी एंड एंटी बी ऑन आरबीसीज, आरबीसीज में नहीं प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला इज 8 क्रोमोसोम इन ईच सेल्स ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ माइटोसिस। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 इज 8, What would be the number of chromosome after S phase? S phase के पास DNA double होता है, but future doctors मैंने discuss किया है, chromosome number does not increase, 8 ही रहेगा। Tricky question, उन लोगों ने कोशिश किया है, but जिनका concept strong है, बिल्कुल भी mistake नहीं किया होगा। Receptors of sperm, fertilization का video देख लो future doctors, उसमें detail में मैंने discuss किया है, fertilization के time पे sperm moves towards the ZP3 receptor, ZP3 on ZP zona pellucida. Correct answer is option 1. ZP3 receptors, और ये क्यों होता है? क्योंकि ओवम प्रोड्यूस करता है फर्टिलाइजिन, स्पर्म एंटी फर्टिलाइजिन, और ये अट्रैक्शन होता है, और मैंने डिटेल में फर्टिलाइजेशन डिस्कस किया है, तो ये डेफिनेटली करेक्ट मार्क किया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्किडे? मस्किडे मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई का है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का है, जो चार आप लोगों को हायरार्की डिस्कस किए गए उस चैप्टर में। इनकरेक्ट पेयर बायोमोलिक्यूल्स से ड्रग्स रिसिन, ricin and abrin are toxins, so this is incorrect pair, so that is why it is the correct answer. Alkaloids like codeine morphine hote hain, toxins like abrin ricin, lectins mein concavalin a aata hai, so that is all correct. So ye biomolecules ka bahut hi minute sa detail yahan pe puch liya gaya hai. Venereal diseases can spread through using sterile needles. Agar sterile needles hai matlab it is free from any infectious agent, sterilization kiya hai. Agar sterile needles option mein na hota to it could spread. Transfusion of blood from infected person, yes. Infected mother to fetus, yes. Kissing, no, absolutely no. मैंने कुछ observe भी किया है कि कुछ website भी दिया है, kissing has a low risk, but नहीं. अभी kissing मतलब there has to be exchange of saliva. They have not mentioned. There is no discussion about the kissing phenomena. और इसके लिए discuss कर रहा हूँ क्योंकि इसमें controversy हो सकता है. Inheritance से तो definitely pass नहीं होते. These are infectious diseases. क्योंकि उन लोगों ने B एंड सी से तो ट्रांसमिट होगा, बी एंड सी भी दिया है एंड बी सी एंड डी भी दिया है, तो इसमें बहुत सारा थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी आ रहा है कि किसिंग लो रिस्क तो है ना, तो स्प्रेड तो कर ही सकता है, एब्सोल्युटली नॉट। इट कैन बी अ किस ऑन अ चीक और अ फोरहेड, ऑन अ हैंड, इट इज नॉट गोइंग टू स्प्रेड, इट इज एसटीडी, इट हैज टू बी एक्सचेंज ऑफ सलाइवा, और उसमें भी ब्लड कंटामिनेशन हो, ऐसा कुछ हो तो देर इज अ चांस, अदरवाइज हगिंग किसिंग इट डज नॉट स्प्रेड एचआईवी एंड ऑल्सो देर आर स्टेटमेंट्स फॉर दैट, सो एब्सोल्युटली किसिंग कैन नॉट बी द आंसर। अगर ऐसा कुछ आंसर की में आता है, देन देर कुड बी अ डिबेट एंड वी वुड हैव टू चैलेंज इट, और दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। ऑर्गेनल्स विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईआर, गॉल्गी, लाइसोसोम, वैक्यूल, चार सेल ऑर्गेनल्स एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर डायग्नोस्टिक मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड्स? एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, PCR techniques, that is used. So thankfully उन्होंने और कोई भी confusion वाला option नहीं दिया। Hybridization technique वगैरह तो हम लोग plant में use करते हैं। Western blot is used for detecting the HIV. HIV का confirmation के लिए हम लोग use करते हैं। So molecular diagnostic disease of early disease mainly through ELISA. बाद में Western blot वगैरह वो अगर viral infection हो तो उसमें हम लोग use करते हैं। With regard to insulin, humulin, choose the correct option. C peptide is not present in mature insulin. Yes, A or B होता है। Insulin produced by rDNA has C peptide? नहीं, false. Proinsulin has C peptide? Yes, हमारे में proinsulin में पहले A, C, B तीनों ही होता है. A peptide and B peptide of insulin are interconnected by disulfide bridges? True. So A, C and D are true. Correct answer is option number 4. Next MCQ future doctors. A specific recognition sequence identified by endonuclease to make cuts at specific positions are called as palindromes.
वर्ड मलयालम, बायोटेक तो पूरा डिटेल में मैंने प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस डिस्कस किया, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है फ्यूचर डॉक्टर्स, यू मस्ट गो थ्रू अगेन अगेन फॉर बेटर रिविजन। खुद से पढ़ो, उसके साथ साथ वीडियोज भी देखो, तो आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटलाइज इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन इन प्रोकैरियोट्स। और ये ट्रांसक्रिप्शन का बात चल रहा है, इट इज गोइंग टू बी आरएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि यूकैरियोट्स में तो तीन टाइप है, बट प्रोकैरियोट्स में देयर इज ओनली वन एंजाइम व्हिच इज डूइंग ऑल द फंक्शंस, बट उसको सिग्मा एंड रो फैक्टर का जरूरत पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बेयर्स हॉलो न्यूमैटिक बोन्स? बर्ड्स, बर्ड्स होगा आंसर, बर्ड्स डायरेक्टली दिया नहीं उन्होंने, साइंटिफिक नेम दिया ऑर्निथोरिंकस प्लैटिपस, तो ये नहीं होगा। नियोफ्रॉन इज वल्चर, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन टू। और मैंने अभी जो किंगडम एनिमलिया यूनिट वन के जो डायग्राम वाला वो वीडियो बनाया था, उसमें नियोफ्रॉन का नाम था। हेमेडेक्टाइलस इज वॉल लिजर्ड, दैट्स अ रेप्टाइल, तो ये भी नहीं होगा। मैक्रोपस इज कैंगरू, दैट्स अ मैमल, तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर इज नियोफ्रॉन। नेक्स्ट एमसीक्यू, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन हेलमिंथ्स। मेटाजेनेसिस तो ओबेलिया इन सिलेंट्रेटा देखा जाता है, तो दिस इज फॉल्स। Echinoderms are triploblastic and coelomate, true. Roundworms have organ system level of organization, true. Complates present in tenophores help in digestion, false. Unme to intracellular digestion with extracellular hoga. Water vascular system is characteristic of echinoderms, true. So B, C and E are true. Correct statement pucha hai, to B, C, E are true. So dekh lete correct answer kya hoga. B, C, E, yes, option A is the correct answer. Option 1 is the correct answer. B, C, E are correct. Next MCQ for the doctors. Valves, IUDs, vasectomy, tubectomy. Seedha main simple wale pe junga. Tubectomy. Tomy matlab cut karna. Removal of fallopian tube. Oh, iska to 4 hi hai. Vasectomy, removal of vas deferens. Iska to 2 hi hai. To iska 2, iska 4. Intrauterine devices. They are placed inside the uterus. Jo phagocytosis of sperms kare. To iska 3 ho jayega. Valves, they are like physical barriers. Entry of sperm. Through cervix is blocked. So 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Absolutely correct answer is option number 3. Next MCQ. Sphincter of Oddi is present जहाँ पे जो bile duct और pancreatic duct combine हो जाता है, and that forms hepatopancreatic ampulla, the duct opening into duodenum. That is sphincter of Oddi. There it is present. Very easy question. If adenine is 30% in the DNA, what will be the percentage of thymine, guanine, cytosine? So adenine and thymine, ATGC, agar adenine 30 hai, to thymine bhi 30 hoga, aur ek hi option mein 30 diya hai. Aur 30, 60 ho gaya, to bacha 40%, 20 guanine, 20 cytosine, option number 4 will be the right answer, future doctors. Match the following, metamerism. Metamerism kis mein dekhne milega? Annelids mein, 3. Canal system in porifera. Canal system, vascular system, and complates in tenophores. Nidoblasts in cylindrata. 3, 4, 2, 1. Yes, option number 4 is the right answer. Kafi easy match the following. Which of the following is responsible for conversion of inactive fibrinogen to fibrin? Coagulation. Clotting ka video mein discuss kya hai. Thrombokinase. Prothrombinase banata hai. Prothrombinase. Prothrombinase hai. Thrombin. Or thrombin. कन्वर्ट करता है फाइब्रोजन को फाइब्रिन में। रेनिन तो रास मैकेनिज्म, एपिनेफ्रिन इज एड्रेनालिन, वो तो आंसर होगा नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन? इंप्रूव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट। बायोफोर्टिफिकेशन में ये सब होता है, प्रोटीन कंटेंट बढ़ता है, विटामिन बढ़ा जाता है, रेजिस्टेंट टू डिजीज, तो पूरा डिजीज रेजिस्टेंस अलग ही है कॉन्सेप्ट, तो उसमें कोई न्यूट्रिशनल क्वालिटी पे बात ही नहीं होता रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज में, बाकी सब में। इसीलिए तो हम लोग ने एटलस 66 जो बनाया है, मेज बनाया है, गोल्डन राइस बनाया है, वो सब में बायोफोर्टिफिकेशन है। डॉक्सन यूनिट्स, ये बहुत साल पहले ये एमसीक्यू पूछा गया था, दैट इज यूज्ड टू मेजर द ओजोन लेयर का थिकनेस। जो ओजोन होगा उसका थिकनेस इज मेजर्ड इन डॉक्सन यूनिट या शॉर्ट फॉर्म DU। सो ये रिपीट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUDs? तो हार्मोन रिलीजिंग में आता है LNG20, देयर इज प्रोजेस्टास्टर्ट एंड LNG20 व्हिच आर हार्मोन रिलीजिंग, बाकी कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड, ये सब कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटराइन डिवाइसेस हैं। The centriole undergoes duplication. DNA replication occurs in nucleus in S phase, and centriole duplication occurs in cytoplasm in the S phase. ये NCERT का statement है, और सभी मेरे future doctors को ये पता ही होगा, S phase में ही centriole का duplication होता है। Which of the following RNA is not required for synthesis of protein? SI is short interfering RNA या short interspersed RNA, तो RNA silencing में बनता है,
वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, बाकी एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए चाहिए तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, एसआईआरएनए, एसएचआरएनए वो सब नहीं चाहिए. इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, बोथ हेटरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड. तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के कैरियर्स हैं, तो ये कैरियर्स के बीच में अगर मैरिज होता है तो ये आपको पता है क्या ऐसा हेटरोजाइगस का क्रॉस होगा. एक आएगा HBA, HBA नॉर्मल चाइल्ड, दूसरा आएगा HBA, HBS कैरियर बट नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, HBA, HBS अगेन कैरियर बट नो प्रॉब्लम्स, और लास्ट आएगा HBS, HBS सिकल सेल एनीमिया, और इनका डेथ हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ. तो 1 out of 4 चाइल्ड इज डाइंग, द चांस ऑफ द डिजीज विल बी 25%. Progeny will be diseased. Carriers are not called as diseased as such. Which are the favorable conditions required for the formation of oxyhemoglobin at the alveoli? Oxyhemoglobin dissociation ka ka baat hai. Oxyhemoglobin banane to oxygen obviously high hona chahiye and CO2 low hona chahiye. Aur koi option mein aisa nahi diya. Warna aur tricky ho sakta tha. Bilkul bhi aapko ye bhale manush ne trick nahi kiya. High PO2, low PCO2 hona chahiye. CO2 less hai, H+ bhi less hoga kyunki carbonic acid wagaira nahi ban raha hai to H+ baad mein release nahi hoga. और लोअर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे डिसोसिएशन होता है, लोअर पे ऑक्सीमोग्लोबिन बनता है. देन इकोसिस्टम से क्वेश्चन, एलन्स रूल, जहां पे कोल्ड रीजन्स में दे हैव शॉर्ट लिम्स एंड शॉर्ट ईयर्स, दैट इज ऑफ पोलार सील. तो 4 कोल्ड रीजन्स. फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन इज सीन इन कैंगरू रैट, जो जेरोफाइटिक अडेप्टेशन दिखाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ द इंटरनल फैट. बिहेवियरल अडेप्टेशन इज सीन बाय डेजर्ट लिजर्ड, दे कम फॉर बास्किंग, सन बाथ लेने आते हैं in winter and garmi mein they go into the caves. Biochemical adaptation, marine fish at depth so that they can manage the depths of the ocean. So 4 1 2 3 is the answer. 4 1 2 3, a student got confused tha. 4 1 2 3, option 4 is the right answer. Then evolution se question hai, easy wala. Evolution by anthropogenic action, last year bhi anthropogenic pe question aaya tha, human action. और वही ऑप्शन है, सिलेक्टिव सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. तो ज्यादा ओवर यूजेज की वजह से नेचर भी उनको रेजिस्टेंट बनाता है, तो इसका 1 है. देन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, जैसे कि 4 लिम्स ऑफ मैन एंड वेल्स, स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट, सो वो डाइवर्जेंस दिखाता है. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, बाई चांस कन्वर्जेंस है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड दोनों अलग अलग ग्रुप है, इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स, बट बाई चांस कन्वर्जेंस ऑफ फंक्शन हो रहा है फॉर फ्लाइंग. 3 अडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचेस गैलापागोस आइलैंड में. 4 3 2 1 एलिमिनेशन से भी आप लोग कर पाओगे. 4 3 2 1 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. नेक्स्ट एमसीक्यू, विच इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन. प्रोलैक्टिन रिलीज पार्चुरेशन के लिए जरूरी नहीं, डेफिनेटली प्रोलैक्टिन और ये जो ऑक्सीटोसिन है ये मिल्क रिलीज के लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, आफ्टर द प्रेगनेंसी, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स करेंगे, बट पार्चुरेशन के इनिशिएशन के लिए जरूरी नहीं है. इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो, इस हिसाब से कि प्रोजेस्टेरोन लेवल बाद में फॉल होगा, तो उस हिसाब से एस्ट्रोजन थोड़ा कंपेरेटिवली हायर होगा, क्योंकि नाउ देयर विल बी शेडिंग ऑफ द यूट्रस, एक तरह से वो डिसलॉज होगा, सो दैट द बेबी इज रिलीज. प्रोस्टाग्लैंडिंस ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडोसिन लेबर पेन प्रोड्यूस करेगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन में प्रोलैक्टिन का कोई भी रोल नहीं होता. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिस्टोन्स इज रॉन्ग. हिस्टोन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन. यस, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन्स पे पॉजिटिव होता है. हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स. यस, उसी को बोलते हैं ऑक्टामर. अभी रिसेंटली मैंने न्यूक्लियोसोम पे भी एक वीडियो बनाया था और मैंने वो पोस्ट किया था, तो ऑक्टामर होगा और H1 हिस्टोन बाद में साइड में होता है और उसको हम लोग बोलते हैं कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम या न्यू बॉडी. पीएच ऑफ हिस्टोन्स इज स्लाइटली एसिडिक, बिल्कुल भी नहीं, इट इज बेसिक. डीएनए इज एसिडिक और तभी तो एसिड्स और बेस सॉल्ट लिंकेज बनाते हैं. हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, दैट इज ट्रू. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. हम लोग रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना था. ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर. कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे एज जोन डिसअपियर होता है. एज जोन जो पहले वाइड होता है वो डेफिनेटली ये थोड़ा डिसअपियर होगा. ए बैंड widens, ए में कोई चेंज नहीं आता. आई बैंड reduces, जो लाइट बैंड है वो डेफिनेटली रिड्यूस होता है, क्योंकि जेड लाइन्स अंदर की तरफ आते हैं. जेड लाइन्स अटैच टू एक्टिन्स, दे आर पुल्ड इनवर्ड्स, तो आई बैंड छोटा होगा. मायोसिन हाइड्रोलाइजेस एटीपी रिलीजिंग एडीपी एंड आईपी. यस, मायोसिन के हम लोग ने उसमें डिस्कस किया कि उसमें एक एटीपीएस एक्टिविटी साइट है और एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, तो दो साइट्स है. तो सिर्फ बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी ए सी डी ई इज करेक्ट. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. 191.
बोन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बट ये ऑप्शनल क्वेश्चन में से आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं. स्कैपुला इट्स अ ट्राइंगुलर फ्लैट बोन ऑफ द पेक्टोरल गर्डल. फोर, क्रेनियम रूफिंग बोन्स ऑफ द स्कल्स. दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ फ्लैट बोन एज वेल, बट दे फॉर्म फाइबरस जॉइंट. दे फॉर्म सेरेट जॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सूचर्स, दैट इज अ फाइबरस बोन. सिनाथ्रोसिस. टर्नम, दैट इज अ स्पेसिफिकली फ्लैट बोन, अ पार्ट ऑफ द the axial skeleton. Vertebral column, cartilaginous joint उसमें रहता है, because there is presence of synchondrosis. So intervertebral disc, they are a type of amphiarthrosis, जिसमें cartilaginous joint होता है. Synchondrosis नहीं, amphiarthrosis रहेगा, जिसको intervertebral disc बोलते हैं. तो scapula का 4-3-2-1 correct answer is option number 1. तो bones वैसे deleted syllabus में से था, but वो option में कर सकते हैं. A person goes to high altitudes and experiences altitude sickness with symptoms like breathing difficulty and heart palpitation. That's true. And ye reason diya, due to low atmospheric pressure at high altitude, the body does not get sufficient oxygen. Jiski wajah se ye hua hai. Yes, that's the correct explanation. So both assertion and reason are true. And it's the correct explanation. Aur isiliye jo frequently altitudes pe jaate hai, dheere dheere unme RBC ka 10% rise hota, that is polycythemia. To isko bolte hai altitude sickness, which is correct. Adenosine deaminase deficiency, जिसको gene therapy से treat किया है, that is dysfunction of immune system, SCID, severely combined immunodeficiency disorder. Animal husbandry से question आया है, MOET, multiple ovulation embryo transfer. Fertilized eggs are transferred to the surrogate at 8 to 32 cells, true. Cow is administered with hormone like LH for activating superovulation, सवाल नहीं होता है, FSH आएगा, follicle stimulating for superovulation. LH तो बाद में ovulation करवाता है. So it is administered with FSH like activity for superovulation, मतलब ज्यादा ovum बने. Cow yields 6 to 8 eggs at a time. Yes, superovulation में ऐसा होगा. Cow is fertilized with artificial insemination, that is also true. So not a step is option number 2. LH गलत है, FSH देना चाहिए. Filariasis, health and disease. Filariasis caused by Wuchereria bancrofti, the nematode worm. Amoebiasis and amoeba histolytica. Pneumonia by Haemophilus influenzae. Ringworm by Trichophyton. कितना सिंपल पूछ लिया है, 3-4-1-2. वो लोग कोई सिम्टम्स पूछ सकते थे या उसका ट्रीटमेंट पूछ सकते थे, बट नहीं, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है. और मैंने हर वीडियो में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हेल्थ एंड डिजीज में डिटेल में डिस्कस किया है. फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लिपिड्स. लिपिड्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स, आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. फॉल्स, सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड. लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, ट्रू. ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ट्रू. पैल्मिटिक एसिड इज 16 कार्बन एटम्स. Arachidonic acid has 20 carbon atoms. So B and C are true. Correct answer B and C hai. Yes, so correct answer is option number 4. B and C is the correct answer. Following statements about prostomium of earthworm. Maine last mein beech mein ek bar earthworm pe bhi video bana liya tha, pura NCERT discuss kiya tha. So prostomium, it's a covering of the mouth, opens the cracks into the soil by wedging action. One of the sensory structures, first body segment nahi hai. So, ये फॉल्स है, बाकी सब करेक्ट है. सो ए बी सी आर करेक्ट. यस, ऑप्शन नंबर 2. फर्स्ट बॉडी सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टोमियम. प्रोस्टोमियम नहीं, पेरिस्टोमियम. विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी. दैट इज कॉपर स्लूटियम. प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है बदमाश पे, लेटर ऑन रिलैक्सिन टू रिलैक्स द प्यूबिक गर्डल. और इवन प्लेसेंटा टू सम एक्सटेंट देता है. थैंकफुली उन लोगों ने भले मानो उसने प्लेसेंटा नहीं दिया, अदरवाइज देयर कुड हैव बीन डिबेट ऑन दैट एज वेल. And ideally would have marked placenta then. The codon AUG codes for methionine. Sahi hai. Phenylalanine. Sawal hi nahi hota usko to UUU and UUC. 64 codon ka codon dictionary pura padha hai. Aur finally usme se koi question hai. Aur lysine ke liye maine bola tha. Aag laga do lysine ko aur chillao. So ye true statement hai. Aur ye one is incorrect statement. To correct statement pucha hai. One is incorrect. Two is true. Option number one is going to be the right answer. Select the, identify the types of cell junctions that help to stop the leakage of the substances across a tissue. Leakage bilkul bhi nahi hoga, that is going to be tight junction. And facilitates communication between the neighboring cells via rapid transfer, that is going to be gap junctions, option number 3. So yes, future doctors, we come to the end. And I hope future doctors, aap logo ka exam jaisa bhi gaya ho, just plan and strategize ki aap log abhi kya next step loge. Aap log अपना स्कोर आइडेंटिफाई कर लीजिए. डोंट रन अवे फ्रॉम दिस नाउ कि क्या स्कोर आ रहा है. इट्स इंपॉर्टेंट टू प्लान थिंग्स अहेड कि आप लोगों को अगर फील्ड नहीं मिल रहा है, ये स्ट्रीम नहीं मिल रहा है, एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, तो बीडीएस की तरफ जाना है, बीएमएस की तरफ जाना है,
या फिर शायद अगर मुंबई से बाहर जाना पड़े या और कोई स्टेट में जाना पड़े, या फिर रिपीट करना है, या फिर अब्रॉड जाना है. इवन इफ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड फॉर मेडिसिन, यू कैन गेट इन टच विद मी, आई विल गाइड यू फॉर दैट एज वेल. सो देर आर ऑप्शन, बट यू नीड टू, हो गया जो होना था, एंड दिस इज जस्ट अ फेज, दिस इज जस्ट अ मोमेंट, है ना. अगर आप लोग ये मोमेंट पे स्टक अप होके रह जाओगे तो नहीं, बिकॉज यू हैव अ ग्रेट जर्नी इन फ्रंट ऑफ यू. अगर आप मेडिसिन में जाते हो तो आपका एक मेडिकल का जर्नी शुरू होगा, अदरवाइज लाइफ में जो भी करोगे ना, बेस्ट करोगे. जस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, हैव फेथ. That's all from Dipenism. Bye. Thank you, future doctors.